हेलो गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। आज के इस क्लास में हम देखेंगे पॉइंटर अर्थमेटिक। तो जैसा कि अर्थमेटिक का मतलब है सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, पॉइंटर के बीच में जो भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे अर्थमेटिक। तो यहाँ पर हो सकता है कि हमारा पॉइंटर में सम वैल्यू एड हो, सब्ट्रैक्ट हो, या फिर हमारा दो पॉइंटर के बीच में डिफरेंस हो। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमारा एक एरे डिक्लेयर है जिसमें 10, 20, 30, 40 एंड 50 वैल्यू स्टोर है। जस्ट सपोज इसका जो है एड्रेस है वो 100, 102, 104, 106 एंड 108 है। ये हो गया हमारा एरे जिसमें हमारा ये बेस एड्रेस है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, ये हमारा सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस है, ये हमारा थर्ड एलिमेंट का एड्रेस है और ये हमारा फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस है। इसको हम जो जीरोथ एलिमेंट है उसे हम A0 भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को हम A1 लिख सकते हैं, सेकेंड एलिमेंट को A2 लिख सकते हैं, थर्ड एलिमेंट को A3 लिख सकते हैं और फोर्थ एलिमेंट को हम A4 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक पॉइंटर हुआ P1। जस्ट सपोज इसका जो एड्रेस है वो है 200। तो हमने P1 में क्या स्टोर किया है, A यानी कि जो A है बेस एड्रेस ऑफ जीरोथ एलिमेंट ऑफ 1D एरे। जो A है वो हमारा P1 में आया, जो हमारा P1 है वो हमारा एरे को पॉइंट करने लगा। देन P2 दूसरा हमारा पॉइंटर है, P2 में हमने स्टोर किया A+4। तो देखो A+4 क्या है, 108। हमारा दो पॉइंटर यहाँ पर जिसमें से जो पहला पॉइंटर P1 है वो 100 को स्टोर कर रखा है और पॉइंट कर रहा है बेस एड्रेस ऑफ जीरोथ एलिमेंट को। जो दूसरा पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है फोर्थ एलिमेंट को। तो जो हमें प्रिंट करवाना है वो P2 - P1। जस्ट सपोज अगर हम यहाँ पर P1+1 करते हैं, यानी कि हम P1 यानी कि जो हमारा पॉइंटर P1 है उसमें अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो इसका मीनिंग हो गया कि हम सम एलिमेंट को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि देखो जैसे ये P1+1 लिखेंगे, यानी कि P1 यहाँ 100 है तो ये 100, ठीक है, 1, और इसको अगर हम स्किप करना चाहें तो इसको स्किप करने के लिए ये कितना हमारा जो 10 है वो कितना बाइट मेमोरी ले रहा है, 2 बाइट मेमोरी ले रहा है, तो ये 2, तो ये 102 हो जाएगा। तो ये स्किप करेगा तो ये 102 हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर ये इसे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जो अगर हम कुछ भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि जो एरे एलिमेंट, हम एरे एलिमेंट को स्किप कर रहे हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम इस डायरेक्शन में इस एलिमेंट को हमने स्किप किया और यहाँ पर हमने इस पॉइंटर की हेल्प से इसे हम पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी कैन ऐड एन इंटीजर टू pointer, it means skipping the element in forward direction. तो अगर हम पॉइंटर में कोई भी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे यहां पर हमने पॉइंटर में जैसे ही P1+1 लिखा तो ये इस वैल्यू का स्किप करेगा, जो ये वैल्यू है इसे स्किप करेगा। ठीक है, तो ये अब 102 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसे पॉइंट करेगा अब हमारा P1+1 होने पे। अगर हम पॉइंटर में कुछ भी ऐड कर रहे हैं इसका मतलब होता है कि वो एलिमेंट को स्किप कर रहा है P2-1। अगर हम पॉइंटर से किसी भी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वहां पर भी हम एलिमेंट को स्किप कर रहे हैं एरे में, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो P2 क्या था हमारा, 108-1 × 2, तो ये हो जाएगा 106, ये हो जाएगा हमारा 106। तो 106 होने पे अब इस थर्ड एलिमेंट को ये पॉइंट करने लगा, यानी कि पहले ये फोर्थ एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, अब ये थर्ड एलिमेंट को पॉइंट करने लगा, यानी कि इस एलिमेंट को इसने स्किप कर दिया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वी कैन सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर टू पॉइंटर, इट मींस स्किपिंग
द एलिमेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. थर्ड पॉइंट, वी कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट टू पॉइंटर. अगर हम दो पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों पॉइंटर एक ही एरे को पॉइंट कर रहा होगा, तभी हम उससे सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे. दिस इज अलाउड ओनली व्हेन बोथ आर पॉइंटिंग सेम एरे एंड पी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी वन. हमारा पी वन में 100 स्टोर है और ये पॉइंट कर रहा है हमारा 0th एलिमेंट को, और पी टू में हमारा 108 स्टोर है और ये पॉइंट कर रहा है हमारा 4th एलिमेंट को. तो देखो ये जो दोनों पॉइंटर है वो सेम एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पर जो पी वन है वो हमारा लेस देन है पी टू. देखो पी वन का जो वैल्यू है वो 100 है और पी टू का जो वैल्यू है वो 108 है. तो अगर ये कंडीशन है यानी कि पी वन लेस देन इक्वल टू पी टू और दोनों पॉइंटर अगर सेम एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि सेम एरे को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर जो पी टू माइनस पी वन करेंगे तो ये हो जाएगा 108 माइनस पी वन यानी कि 100 और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से. जो पॉइंटर है वो जिस भी डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर कर रखा होगा उसके डेटा टाइप का जो साइज होगा उससे हम डिवाइड करेंगे. 8 बाय 2 ये हमारा हो जाएगा 4. तो जो आउटपुट आएगा यानी कि जो आंसर आएगा वो 4 आएगा. तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आएगा ठीक है वो आएगा 4. फोर्थ पॉइंट, वी कैन नॉट ऐड फ्लोटिंग वैल्यू नंबर टू पॉइंटर. यानी कि हम फ्लोटिंग पॉइंट को नहीं ऐड कर सकते हैं पॉइंटर में. यानी कि अगर हम पी वन प्लस 0.8 लिखते हैं तो ये हमारा रॉन्ग होगा कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम पॉइंटर में ऐड नहीं कर सकते. अगर ऐड करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है और वो हमारा गलत है. वी कैन नॉट परफॉर्म एडिशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बिटवीन पॉइंटर. यानी कि हम पॉइंटर्स के बीच में ना हम एडिशन कर सकते हैं, ना मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ना ही डिवीजन कर सकते हैं. तो पी वन प्लस पी टू ये भी रॉन्ग है, पी वन इंटू पी टू ये भी रॉन्ग है, डिवाइडेड बाई पी टू ये भी हमारा रॉन्ग है. पॉइंटर में कोई भी वैल्यू का अगर हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम सम एलिमेंट को स्किप कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में. अगर हम पॉइंटर से कोई भी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम एलिमेंट को स्किप कर रहे हैं लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में. देन तीसरा ये होता है कि हम दो पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन जो दोनों पॉइंटर होगा वो सेम एरे को पॉइंट कर रहा होगा यानी कि सेम एरे के एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा. यहाँ पर होगा पी वन लेस देन इक्वल टू पी टू यानी कि जो हमारा पी वन है वो या तो बराबर हो पी टू से या तो फिर छोटा हो. हम पॉइंटर में कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट को ऐड नहीं कर सकते हैं. दो पॉइंटर के बीच में ना हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, ना मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं और ना ही हम डिवीजन को परफॉर्म कर सकते हैं. तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए. थैंक यू.